नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के समय में या प्राचीन समय में या आने वाले भविष्य में भी यदि हम देखें तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा अहम भूमिका है। और ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के अपने अपने कारक हैं। यदि सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है, मंगल भाई बहन है। उसी तरीके से हर ग्रह के पास अपने शिक्षा देने के भी तत्व हैं। कौन सा ग्रह आपसे क्या शिक्षा कराएगा? मैंने पिछले भाग में भी आपको बताया था कि शिक्षा के योग कैसे होने चाहिए, शिक्षा होगी या नहीं होगी, बेहतर शिक्षा के क्या योग हैं, खराब शिक्षा के क्या योग हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के शिक्षा स्थान से यदि ग्रहों का संबंध बन जाए तो वो आपको किस प्रकार की शिक्षा करा सकता है, उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। हर ग्रह का अपना एक अलग कारक है और हर ग्रह के अंदर क्षमता है कि वो अपने अनुसार आपकी शिक्षा करा सकता है। तो कुंडली में शिक्षा स्थान पंचम भाव पांचवा घर, पांचवें घर का कारक बुध, यदि उनसे ग्रहों का संबंध बने, पांचवें घर को कोई ग्रह देखे, पांचवें घर में कोई ग्रह बैठ जाए और उसके साथ साथ कोई ऐसी दशा मिल जाए जो आपको शिक्षा भी करा रही है और किसी एक स्पेशल विषय पर करा रही है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सूर्य से लेकर केतु तक नौ ग्रहों को पराशर जी ने अलग अलग तरीके की विद्याएं दी है कि हर ग्रह के पास अलग विद्या का डिपार्टमेंट है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि कुंडली के शिक्षा स्थान से पंचम भाव पांचवें घर का मालिक, नवम भाव नौवें घर का मालिक, क्योंकि ये उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है, और साथ में कारक बुध, इनसे यदि निम्न ग्रहों का संबंध बने तो वो कैसी शिक्षा कराएगा। जैसे सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य ब्रह्मांड में राजा है, सबसे पहला स्थान सूर्य का है। यदि सूर्य का संबंध आपके शिक्षा स्थान से बनता है तो आप राजनीति शास्त्र की शिक्षा कर सकते हैं, यानी जो लोग राजनीति शास्त्र करना चाहते हैं वो बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप गणित से संबंधित कोई शिक्षा करना चाह रहे हैं जिसमें गणित का बहुत ज्यादा पार्ट है, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, उनके लिए उसके साथ एस्ट्रोनॉमी अंक ज्योतिष से संबंधित शिक्षा भी सूर्य के पास ही है। उसके साथ साथ भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, यदि सूर्य कुंडली में बेहतर है और उसका शिक्षा स्थान से संबंध है तो आपको वो फिजिक्स भी पढ़ाएगा। उसके साथ साथ अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सूर्यदेव से ही मिलती हैं। आयुर्वेद का भी संबंध सूर्यदेव से आता है, यानी जड़ी बूटियों का संबंध सूर्यदेव से बहुत हद तक देखा गया है। बात करते हैं हम चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा 16 कलाओं के मालिक होते हैं, ये एक कलात्मक राशि है, इसलिए इसका सीधा सीधा संबंध, आप कला पढ़ रहे हैं, संगीत नृत्य गायन, इससे संबंधित कोई शिक्षा करना चाह रहे हैं या इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का संबंध आपके शिक्षा स्थान से आना चाहिए। रसायन विज्ञान के अंदर भी इसका पूर्णतः संबंध दिखाई देता है, यानी केमिस्ट्री के अंदर दवाओं से संबंधित कोई भी काम, यानी मेडिकल से संबंधित डिपार्टमेंट में भी चंद्रमा का रोल देखा गया है। पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल स्टडीज करना चाह रहे हैं तो उसमें चंद्रमा का रोल जरूर होना चाहिए, तभी उससे संबंधित शिक्षा आपके लिए बेहतर रहेगी। जीव रसायन भी इसी क्षेत्र में आता है। तो चंद्रमा से जुड़े ये कारकत्व तो यदि आपके शिक्षा स्थान से संबंध बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इन्हीं चीजों से जुड़ा या इन्हीं चीजों से संबंधित शिक्षा करेंगे और लाभ लेंगे। अब हम बात करेंगे मंगल देव के बारे में। मंगल देव एक बहुत ही तकनीकी और लॉजिक से भरपूर ग्रह है। उसका यदि आपके शिक्षा स्थान पर या शिक्षा के मालिकों से संबंध बन जाए तो कानून से संबंधित पढ़ाई करा सकता है। तर्कपूर्ण कोई भी कोई कार्य हो, लॉजिक से रिलेटेड कोई भी वर्क हो, उसमें मंगल का बहुत अहम भूमिका रहती है। अभियंता बनाता है आपको, अभियंता यानी इंजीनियरिंग से संबंधित पढ़ाई मंगल देव के हिस्से में आती है। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, अग्नि से संबंधित यांत्रिक कार्य, डॉक्टर से रिलेटेड कार्य है, यानी कि आप सर्जन हैं, बीडीएस हैं, दांतों की सर्जरी करते हैं, फेस की सर्जरी करते हैं, यानी कहीं भी अगर काट पीट से संबंधित कोई भी काम आता है तो उसमें मंगल का जरूर रोल आता है। इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य कोई भी होते हैं तो उसके साथ साथ खेल से संबंधित शिक्षा अगर आप कर रहे हैं
बीपीएड करते हैं, कुछ लोग बाग स्पोर्ट्स से संबंधित डिप्लोमा करते हैं, क्योंकि मंगल साहस का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिना मंगल के आपके कोई कार्य संभव नहीं है, तो साहस के कार्य और खेल इसी इनमें बहुत बड़ा समन्वय है आपस में, उनको जोड़कर आप उससे संबंधित कोई शिक्षा कर सकते हैं। बात करते हैं बुध की। बुध शिक्षा के कारक तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ यदि इस बुध का प्रभाव आपकी कुंडली के शिक्षा स्थान पर बहुत ज्यादा बन रहा है, तो आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, संवाददाता हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, उसके साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं, बहुत अच्छे एंकर हो सकते हैं, अच्छा गाना गा सकते हैं, बही खाता से संबंधित काम, वाणिज्य से संबंधित काम, सीए बनना, कोई लेखक बनना, कोई राइटर बनना, कोई पोयम लिखना, कहानी लिखना, कविताएं लिखना, फिल्मों के लिए गाने लिखना, ये सब बुध से संबंधित ही आता है। यदि इसका शिक्षा स्थान से संबंध है, तो आप जीवन में कुछ ऐसी ही पढ़ाई करेंगे जो आपको बाद में इन क्षेत्रों की तरफ लेकर जाएगी। बात करते हैं बृहस्पति देव के बारे में। बृहस्पति देव गुरु, गुरु यानी आचार्य। आचार्यों का काम हमेशा से रहा है शिक्षा दीक्षा देने का, यानी वेदांत की शिक्षा कराते हैं, पुरानी प्राचीन विद्या से संबंधित पढ़ाई कराएंगे, गुरुकुल की शिक्षा कराएंगे, कर्मकांड से संबंधित शिक्षा कराएंगे, इतिहास, संस्कृत, इनसे संबंधित यानी लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सब बृहस्पति के अंडर में आते हैं। उसके साथ साथ मैनेजमेंट से संबंधित कार्य, क्योंकि बृहस्पति जो गुरु होते थे वो पहले पूरे समाज को संभाल लेते थे, कौन आदमी क्या काम करेगा, कैसे करेगा, उसको कौन सा डिपार्टमेंट देना चाहिए, ये बृहस्पति से संबंधित होता है। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड शिक्षा, एमबीए से रिलेटेड कार्य बृहस्पति में आएंगे। बैंक से संबंधित काम, क्योंकि बैंक के अंदर होता है कोष, पैसा, तो बैंक से संबंधित कार्य, शिक्षण संस्थान के कार्य, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं आप, तो ये आपके लिए सब कुछ कार्य जो है बृहस्पति से संबंधित होते हैं। कुंडली में शिक्षा स्थान से अधिक का संबंध बने तो आप ऐसी कोई शिक्षा कर सकते हैं। बात करते हैं शुक्र की। शुक्रदेव राक्षसों के आचार्य हैं, लेकिन हैं ये भी आचार्य, इनके अंदर भी कलात्मक गुण हैं। जैसे हर शुक्रवार को पिक्चर रिलीज होती है, वो इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि शुक्र ग्लैमरस है, होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स कराएगा, फैशन डिजाइनिंग कराएगा, ब्यूटी पार्लर के कोर्स कराएगा, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोई पढ़ाई कराएगा, रत्न विज्ञान पढ़ाएगा, वेब डिजाइनर बनाएगा, एनिमेशन का डिजाइनर बनाएगा, पेंटिंग सिखाएगा, संगीत सिखाएगा, नृत्य कराएगा, फोटोग्राफी कराएगा, मीडिया से संबंधित कोर्स में जोड़ सकता है, यानी ऐसे जितने भी सारी चीजें, फैशन डिजाइनर बना सकता है, आप ज्वेलरी से संबंधित डिजाइनिंग कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स कर सकते हैं, ये सारे के सारी शिक्षाएं शुक्रदेव के हिस्से में आती हैं। तो कुंडली में अगर शिक्षा स्थान से शुक्रदेव के संबंध बने तो आप ऐसी शिक्षा कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव एक बहुत स्लो ग्रह है और ब्रह्मांड में सबसे दूर है। दूर रहने के साथ साथ इनका प्राचीन विद्याओं पर बहुत अगूढ़ प्रेशर है एक तरीके से, यानी कि जिनको प्राचीन विद्या करनी है, पुरानी विद्या में पढ़नी है, भूगोल पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, प्राचीन विद्याएं पढ़नी है, संस्कृत से संबंधित कोई बात है, शास्त्रों में जाना चाह रहे हैं, तो बिना शनिदेव की इच्छा के या बिना शनिदेव की सहायता के आप नहीं जा सकते। उसके लिए शनिदेव का संबंध आपके शिक्षा स्थान से होना चाहिए। उसके साथ साथ वकील बनना, जज बनना, फैसले सुनाना, क्योंकि ये न्यायकारी ग्रह भी है, तो उसका भी डिपार्टमेंट शनिदेव के अंडर में आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराना भी शनिदेव के अंडर में है, केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराना भी शनिदेव के ही अंडर में आता है, यानी आपके शिक्षा स्थान से इन ग्रहों का संबंध बनना चाहिए। बात करते हैं राहु के बारे में। राहु वैसे तो कोई इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इनको छाया ग्रह कहा गया और ये एक पिंड है और पिंड के रूप में विद्वान है, इसलिए इनको ज्योतिष में ग्रहों में कुंडली के अंदर जगह दी हुई है। राहु शोध से संबंधित कार्य आपके सारे राहु के अंडर में आते हैं। यदि आप किसी विशेष विषय में शोध कर रहे हैं, करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना राहु के मदद के नहीं होगा। हवा से संबंधित कार्य, पायलट, एयर होस्टेस, एयर से संबंधित कोई चीज, हवाई अड्डे से संबंधित कोई कार्य या ऐसी कोई कोर्स है उसमें एयर इंडिया से संबंधित कोई भी कोर्स हो वो, उसके साथ साथ जासूस से संबंधित कोई भी कार्य हो, ऐसी कोई पढ़ाई, चाहे आप सीबीआई के क्षेत्र में भी अगर जाते हैं तो भी आपका कहीं ना कहीं इससे संबंधित रिलेशन आता ही आता है। राहु आपको ऐसी ही पढ़ाई कराता है।
मास कम्युनिकेशन इसके अंदर आता है, मीडिया से रिलेटेड कोई भी कोर्स होते हैं तो राहु के अंदर ही आते हैं। बात करते हैं केतु के बारे में। केतु भी राहु की तरह ही है, लेकिन इनका थोड़ा सा स्वभाव इनसे अलग है, क्योंकि राहु धड़ है तो केतु नीचे का हिस्सा। लैंग्वेज से संबंधित कोई भी कोर्स करना चाह रहे हो, केतु का संबंध शिक्षा स्थान से आ रहा है, तो आप बेझिझक लैंग्वेज संबंधित कोई भी कोर्स करिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज हो, जैपनीज लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई विदेशी लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसको सीखने के बाद आप अपने कार्य में बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करेंगे। भाषाओं का पूर्णतः कमांड केतु के हाथ में है। प्रोग्रामिंग करना, धार्मिक शिक्षा, क्योंकि केतु को मोक्ष कारक भी कहा गया है, तो धार्मिक शिक्षा करने का कोई भी अवसर मिल रहा है तो वो केतु की वजह से मिलेगा। ध्यान लगाना, यानी आप ध्यान के क्षेत्र में है, आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से ध्यान लगाया जाए, ऐसी कोई शिक्षा करना चाहते हैं तो ये सब भी केतु के अंडर ही आता है। तो शिक्षा में भाषाओं पर अगर कमांड अगर देखा गया है तो वो केतु के अंडर में ही आया है। तो ये था नौ ग्रहों का शिक्षा स्थान से यदि संबंध हो तो कौन सा ग्रह किस प्रकार की शिक्षा कराएगा, उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। आप अपनी कुंडली को उठाकर खुद देख सकते हैं कि हमारे शिक्षा स्थान से किन ग्रहों का संबंध बना हुआ है और वो ग्रह हमें किस प्रकार से ऐसी शिक्षा करा रहे हैं। साथ साथ अगर दशाओं का भी समावेश हो जाए तो आप उससे संबंधित शिक्षा अवश्य ही करेंगे। जिस ग्रह का संबंध शिक्षा स्थान से बनेगा वैसी ही ग्रह आपसे शिक्षा भी कराएंगे। तो ये था नौ ग्रहों का शिक्षा भाव से संबंध और कौन सी शिक्षा आप करेंगे उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। अगले भाग में मैं लेकर आऊंगा, अलग अलग विषयों पे बात करेंगे कि कुंडली में सीए बनने के योग कैसे होते हैं, पुलिस अधिकारी के योग कैसे होते हैं, आईएएस अधिकारी के योग कैसे होते हैं, वकालत के योग क्या है, टीचर के योग क्या है, या ऐसे ही बहुत सारे विषय लेकर मैं आपके सामने समय समय पर हाजिर होता रहूंगा। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।